हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष ने और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी स्टूडेंट। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, दरअसल सिंपल न्यूमेरिकल है एलएसएम मेथड में। और इसमें जैसे हम एक्स यू का मान है जिसको हम कहते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस, एक्स यू मैक्सिमम वो हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस है, और उसमें मोमेंट खास तौर से निकालना चाहते हैं। तो एक होता है हमारा डिजाइन मोमेंट, एक होता है फैक्टर्ड मोमेंट। तो जब वैल्यू निकाल के लाते हैं वो फैक्टर्ड मोमेंट का होता है, और डिजाइन वैल्यू डिजाइन जो मोमेंट है उसको हम कहते हैं जो फैक्टर्ड मोमेंट आया हमारा उसको 1.5 से डिवाइड कर देते हैं। देखो, लिमिट स्टेट में हम करते क्या है कि जो भी लोड गिवन होता है उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फैक्टर्ड लोड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं डिजाइन जो अगर मोमेंट निकालना है तो जो भी मोमेंट का जो हमारा फॉर्मूला है, जो भी हमारी वैल्यू निकल के आती है उसको 1.5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिजाइन लोड आ जाएगा, डिजाइन मोमेंट आ जाएगा। तो ये जो है खासतौर जनरल चीज़ें हैं जो खास तौर से मैं आपको इस न्यूमेरिकल में ये क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, पिछली वीडियो जो पार्ट वन आपने देखी होगी उसमें जो हमारा खास तौर से जो बीम थी वो 300 बाई 600 mm की थी, और उसमें हमने Fe 500 ग्रेड की स्टील यूज़ की थी, और उसमें 4 बार हमने क्या है 20 mm फाई की 4 बार ली थी, और M20 ग्रेड की हमने कंक्रीट ली थी। तो उस केस में जो हमारी वैल्यू आई थी वो हमारी अंडर रेनफोर्स्ड आई थी। उस केस में हमने क्या निकाला था, फैक्टर्ड मोमेंट निकाला था। और जब डिजाइन मोमेंट हम निकालते थे जो वैल्यू हमारी आई थी उसको 1.5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब के चले हम कोई दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर उसके आधार पर मैं बताता हूँ कि आपके क्या वैल्यू बनती है। हो सकता है कि इस बार अंडर रेनफोर्स्ड बन जाए या ओवर रेनफोर्स्ड बन जाए, बैलेंस बन जाए। ये तो मैं बोर्ड पर जब कोई न्यूमेरिकल करूँगा तब हम देखते हैं कोई डाटा लेकर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं, फिर बहुत आसान न्यूमेरिकल है एलएसएम मेथड में, तो आप उसको देखिएगा और आगे मैं इसको बताता हूँ, तो आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा। ये पार्ट टू है हमारा। तो दिस इज़ द सिंपल न्यूमेरिकल NUMERI, सिंपल न्यूमेरिकल ऑन LSM लिमिट स्टेट। और ये हमारा क्या है, दिस इज़ द पार्ट टू कर दिया है मैंने। पार्ट टू माने दिस इज द क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, तो अब देखें इसमें इलस्ट्रेशन LUSTRATION इलस्ट्रेशन, एंड इट इज़ इलस्ट्रेशन सेकेंड, दिस इज एग्जाम्पल टू है ना। मान के चलें कि बीम साइज दैट इज बी इंटू डी माने यानी कि उसकी गहराई, सॉरी बी माने चौड़ाई और डी माने इफेक्टिव डेप्थ। तो चलो इस बार वैसे ही कर लेते हैं हम इसको, 300 mm बाई 600 mm है ना। अब के जो हमने AST का मान लिया है, सपोज करें AST ये हमारा सपोज करें 2200 mm² है, ये हमने क्या लिया है 22 से मान लिया है, जो भी आती है वैल्यू देखते हैं क्या होता है इसमें। और यहाँ पर सपोज कर हमने M25 ग्रेड लिया है खास तौर से कंक्रीट का, और Fe जो हमने लिया है वो सपोज करें हमने 415 ग्रेड की आपके ले ली है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक तो निकालना है हमें फैक्टर मोमेंट, दिस इज व्हाट फैक्टर्ड मोमेंट निकालना है, सो दैट इज हाउ मच। ठीक है, तो इसकी वैल्यू खास तौर से आपको यहाँ पर निकालनी है। तो चलिएगा हम इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि किस तरह से हमें करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है, कि दिस इज व्हाट हियर इज द सॉल्यूशन। तो पहला स्टेप हम क्या निकालेंगे, एक्स यू का मान निकालेंगे। पहला स्टेप हम क्या निकालते हैं, एक्स यू का मान निकालते हैं। एक्स यू के लिए मैंने क्या बताया था, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करेंगे आप सी यू बराबर टी यू, और सी यू का मान हमारा कितना है 0.36, एंड इट इज़ एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी बराबर 0.87 एफ वाई इंटू AST। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दें सीधे, तो चलिएगा 0.36 एफ सी के हमारा कौन सा है, यही है ना, दिस इज 25, और एक्स यू का मान हमें निकालना है, बी हमारा कितना है इट इज़ 300 बराबर 0.87, और एफ वाई का मान हमने कितना रखा है इस बार 415 रखा है ना, और इनटू यहाँ पर AST हमारा कितना है, दिस इज़ 2200 mm². ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स यू का जब मान निकालेंगे तो एक्स यू का मान कितना आ जाएगा हमारा 0.87 इंटू 415 इंटू 2200 डिवाइड 0.36, एफ सी का मान अपने हमने 25 लिया है,
और बीम की चौड़ाई इत्तेफाक से हमने वो ही रखी है। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.87 इंटू 415 इंटू 2200, चलिए ये तो मान इतना आ गया, डिवाइड बाई 0.36 और डिवाइड बाई 25 एंड डिवाइड 300। सो यहाँ पर जो वैल्यू आई है इट इज़ 294.188। सो इट मे बी टेकन एज इक्वलेंट टू, है ना, से ये mm कर दिया है और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर कर दिया से। हमने इसको क्या किया है, ये 294.188 आ रहा है तो हमने इसको 294.2 हमने मान लिया है से। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं सेकंड वैल्यू, एक्सयू मैक्सिमम, है ना। अब देखो एक्सयू मैक्सिमम की वैल्यू हम देखते हैं डायरेक्ट ही, अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कि एक्सयू मैक्सिमम बराबर 0.53D, दिस इज फॉर FE 250। ठीक है, और यहाँ देखना एक्सयू मैक्सिमम बराबर 0.48D, दिस इज फॉर FE 415। और यहाँ देखना एक्सयू मैक्सिमम बराबर 0.46D एंड इट इज फॉर FE 500। ठीक है, उसी फॉर्मूले से इस केस में क्या है कि जब हमारा ES का मान 2×10^5 न्यूटन पर mm² है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम निकालें खास तौर से एक्सयू मैक्सिमम, इट इज 0.51D ले सकते हैं फॉर FE 350, यानी FE 350 के लिए इसका मान हमारा इतना होगा, कितना, 0.51D। तो चलो हमारी तीन वैल्यूज ठीक हैं, 250, 415 और 500 के लिए। हमारे यहाँ पर क्या है, FE 415 इस्तेमाल हो रहा है, तो XU मैक्सिमम का मान कितना होगा, तो XU मैक्सिमम बराबर 0.48 और D हमारा कितना है, इट इज 600। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या आता है हमारा, 600 × 0.48, सो इट इज़ 288। कितना है हमारा, 288 mm। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन चलो उधर ही चले जाएँ, तो इट इज़ बेटर टू यू। तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, इस पार्ट को हम ऐसे कर लें थोड़ा सा, इट विल बी बेटर टू यू, ताकि यहाँ पर हमें स्पेस आसानी से मिल जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो हियर वी हैव द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि XU का मान 294.2 और XU मैक्सिमम कितना है हमारा, 288। ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट, क्रिटिकल, दिस इज CRITICL क्रिटिकल NEUTRL न्यूट्रल एक्सिस, कितना हमारा, 288 mm। और ये हमारा क्या है, एक्चुअल, ये हमारा क्या है, एक्चुअल। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, XU बराबर ACTUL एक्चुअल NEUTRL न्यूट्रल एक्सिस, यही है ना हमारा, दिस वन, है ना। तो हमने क्या किया, CU बराबर TU, तो सीधे इसका मान आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XU इज ग्रेटर देन व्हाट, XU मैक्सिमम, दिस इज व्हाट, XU मैक्सिमम। देखो कितना आ रहा है हमारा, एक्चुअल कितना है, 294.2 इज ग्रेटर देन 288 mm। इट मींस क्या, इट इज ओवर रेनफोर्स्ड। सो व्हाट इज, इट इज ओवर रेनफोर्स्ड। तो ओवर रेनफोर्स्ड को हम क्या करते हैं, कभी भी डिजाइन नहीं करते हैं। तो हम क्या लेकर चले, कंडीशन क्या है कि XU बराबर XU मैक्सिमम, ये हम लेकर चलेंगे। तो अब यहां पर क्या निकालेंगे हम, MU अगर कंक्रीट के आधार पर निकालें, MU अगर हम कंक्रीट के आधार पर निकालें, तो MU कंक्रीट के आधार पर हम क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट है, ये क्या है हमारा, दिस इज द मोमेंट रेजिस्टेंस या फैक्टर मोमेंट कहते हैं या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट, मोमेंट ऑफ RESISTNCE, दिस इज व्हाट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और कहीं भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते तो हमें क्या चाहिए, फोर्स इनटू
डिस्टेंस, फोर्स हमारा क्या है कंक्रीट के लिए, दिस इज सी यू इंटू डिस्टेंस क्या है, दिस इज लीवर आर्म, दिस इज लीवर आर्म है ना। और हमने क्या रखा है, सी यू का मान क्या है हमारा 0.36 एंड एक्स एफ सी के, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स यू बराबर एक्स यू मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स यू मैक्सिमम इंटू बी एफ सी के एक्स यू मैक्सिमम इंटू बी। एक्स यू के क्या रखा हमने एक्स यू मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ना, तो इंटू ये तो हमारा एक आ गया पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है डी माइनस 0.42 एंड इट इज एक्स यू मैक्सिमम। तो ये हमारी लीवर आर्म और ये हमारा सी यू का मान हो गया। अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुटअप करें तो इट इज़ हाउ मच 0.36 और एफ सी के हमारा कितना है 25। अब के हमने एफ सी के कितना रखा है 25 है ना। एक्स यू मैक्सिमम इज हाउ मच, दिस इज 288, कितना 288। तो ध्यान रखिएगा इट इज 288 एक्स यू मैक्सिमम। बी का मान हमारा कितना है 300, और यहाँ पर इसको हम करेंगे दिस इज डी 600 माइनस 0.42 और एक्स यू मैक्सिमम हमारा कितना है इट इज 288 नॉट 294.2। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पर चलिए हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, 0.36 इंटू 25 इंटू 288 इंटू 300, सो इट इज 777 एंड 600। ये तो आ गया हमारा न्यूटन में, कौन सा ये वाला, क्योंकि न्यूटन में ही आएगा ना, देखो एफ सी के न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ये एमएम में और ये हमारा एमएम में, तो जब गुणा करेंगे तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंटू एमएम स्क्वायर न्यूटन में आ गया ना, और ये क्या है हमारा मिलीमीटर में, क्योंकि ये मिलीमीटर में और ये मिलीमीटर माइनस हो रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 288 माइनस 600, तो चलो 479, इट इज हाउ मच 479.04, इट इज़ इन व्हाट एमएम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली होती जा रही हैं और बहुत आसानी से होता जा रहा है। हम इसको इम्प्लाइज दैट भी कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट, वैसे कई बार हम ऐसे करते हैं इम्प्लाइज दैट, इसको हम कहते हैं दिस इज इम्प्लाइज दैट है ना, तो यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इनटू अगर हम करें इट इज़ 700, सो नाउ द वैल्यू कम्स 372 501 एंड इट इज़ 504, इट इज़ न्यूटन mm। मोमेंट किस में आता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्या है हमारा न्यूटन में, और डिस्टेंस किस में मिलीमीटर में, तो ये किससे आ जाएगा मान आपका न्यूटन mm में। ठीक है, न्यूटन को किलोमीटर में बदलें तो 1000 से डिवाइड करें, और मिलीमीटर को मीटर बदलें तो 1000 से डिवाइड करें, तो यानी कि यहाँ से 3 और 3 6, तो ये इम्प्लाइज दैट हाउ मच 372.5, चलिए हम इसको मान लेते हैं इट इज़ न्यूटन, सॉरी केएन मीटर, इट इज़ व्हाट केएन मीटर एंड इट इज से, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द फैक्टर्ड मोमेंट, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द फैक्टर्ड मोमेंट। ठीक है, अब ये कहते हैं कि डिज़ाइन मोमेंट हमारा कितना है, फैक्टर्ड मोमेंट और डिज़ाइन मोमेंट, तो ये तो हमारा क्या होगा, दिस इज फैक्टर्ड मोमेंट, तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, चलो एफ ए सी टी ओ आर ई डी, दिस इज फैक्टर्ड एम ओ एम ई एन टी, इट इज हाउ मच 372.5 के एन मीटर से, और डिजाइन में कितना हो जाएगा डी ई एस आई जी एन ई डी डिजाइंड मोमेंट बराबर 372.5 अपॉन 1.5। तो चलिएगा हम करते हैं इसको 372.5 एंड डिवाइड इट इज़ 1.5, ओके, सो इट इज़ हाउ मच 248.33, ये 1.5 है, सो इट इज़ 248.33, इट इज़ के एन मीटर। ठीक है, तो 248.33 के एन मीटर, ये हमारा क्या डिजाइंड है, तो ये हमारा फैक्टर्ड आ गया, ये हमारा डिजाइंड आ गया। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है, सेकंड एग्जांपल, इसमें हमने क्या किया है कि एक जो बीम है जिसका साइज बी इंटू डी 300 बाई 600 mm, ए एस टी का मान आपके हमने 2200 mm² मान लिया,
तो यहाँ पर हमने क्या किया कि M25 ग्रेड की आपके कंक्रीट का ग्रेड हमने बढ़ा दिया, स्टील का ग्रेड हमने थोड़ा सा कम कर दिया, फैक्टर्ड मोमेंट हमें निकालना है कि इट इज़ हाउ मच। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट पे सी यू बराबर टी, यानी कि वी वॉन्ट टू गेट नो द वैल्यू ऑफ एक्स यू, एक्स यू इज वॉट, दिस द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो वॉट वी हैव यूज द फॉर्मूला, इट इज 0.36 एफ सी के एक्स यू इन टू बी इज इक्वल टू, दिस इज 0.87 एफ बाई इंटू ए एस टी। सो दिस इज वॉट टी यू एंड दिस इज सी यू, दिस इज इन न्यूटन, दिस इज द फोर्स बॉन्ड बाई द कॉन्क्रीट एंड दिस इज द फोर्स बॉन्ड बाई द स्टील, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन जोन में हमारी कॉन्क्रीट होती है। तो इसके निकाला हमने एक्स यू का मान, तो सीधे आ गया 0.87 यहाँ पर एफ वाई, फिर देन ए एस टी डिवाइड बाई 0.36, देन एफ सी के इन टू बी। तो फॉर्मूला अपने आप ही आ गया, एक्स यू मैक्सिमम जो हमने पहले बताया था वो क्या था हमारा 700 इन टू डी डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई, उससे हमने कैलकुलेट करके निकाला है। तो एक्स यू मैक्सिमम 0.53D फॉर एफ ई 250 और एक्स यू मैक्सिमम 0.48D फॉर एफ ई 415 और एक्स यू मैक्सिमम बराबर 0.46D फॉर एफ ई 500। ठीक है, तो एक्स यू मैक्सिमम हमारा कौन सी कैटेगरी है, एफ ई 415 है ना, सो दिस वन इज 0.48 इंटू डी, सीधे मान आ गया 288 है मैम। अब देखें कि हमारा क्या है कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारी है 294 पर और क्रिटिकल कहाँ पर होनी चाहिए थी 284, तो ज़्यादा है कौन सा एक्स यू, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा है, ओवर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड हम डिज़ाइन कभी भी इसमें नहीं करते हैं, इट इज़ नॉट प्रेफरेबल। तो हम क्या करते हैं एक्स यू को एक्स यू मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, तो एक्स यू ये क्या रख दिया हमने, सीधे एक्स यू मैक्सिमम रख दिया। मोमेंट किसके आधार पर निकाला, अगर कॉन्क्रीट के आधार पर हम निकालते हैं तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, दिस इज मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर क्या है हमारा, फोर्स क्या है सी यू इंटू डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज सी यू इंटू लीवर आर्म, और सी यू का मान कितना है 0.36 एफ सी के एक्स यू मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि एक्स यू क्या रखा हमने एक्स यू मैक्सिमम, तो यहाँ एक्स यू लिखते तो उसके क्या लिख दिया हमने एक्स यू मैक्सिमम लिख दिया इंटू बी और डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्सिमम। इसे हमने कैलकुलेट किया तो जो हमारा खास तौर से किलोमीटर मीटर में आया वो 372.5 के एन मीटर, ये सही हमने माना है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू अगर दशमलव लगाएंगे तो 501 और 504 भी आएगा, तो हमने इसको सर कर्टेल कर दिया और जो डिजाइन मोमेंट है इसको हमने क्या किया 1.5 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आ गई, दिस इज 248.33 के एन मीटर। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है और ये मैं कर रहा हूँ और आप इसको देखते रहिएगा, तो एक एक न्यूमेरिकल को जब आप देखें तो लिमिटेड बहुत ही आसान है, आप शेयर में जाएं या आप सिंगल रेनफो बीम का डिजाइन करें, डबल रेनफो बीम का डिजाइन करें, स्लैब का डिजाइन करें, टी बीम का डिजाइन करें, ये बहुत ही एक आसान कंसेप्ट है जो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से वीडियो को देखते रहेगा और इसमें किसी तरह कोई कॉमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा।